तो मेरे कैरेक्टर में एक्चुअली जब मुझे कॉल आया तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ कैरेक्टर लाइक लीसा हेडन्स कैरेक्टर इन क्वीन एंड आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज दैट इज समबडी हु आई रियली एडमायर्ड इन द मूवी. सो इट्स अ नाइस थिंग. इट्स लाइक अ वेरी चैलेंजिंग रोल क्योंकि जनरली क्या होता है टेलीविजन में यू जस्ट गेट टू प्ले द रोल्स विच आर बड़ी कोय से बड़ी भोली भाली शर्मीली सी लड़की. बट दिस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो आई एक्चुअली सेड यस टू इट. आई सेड आई डोंट केयर कितने दिन है क्या है. आई जस्ट वांट टू डू इट. या मेरा फर्स्ट डे है एक्चुअली. चार घंटे तो हमारे लुक डिसाइड करने में लग गए. फिर उसके बाद अभी हमने शूट शुरू किया है तो अभी देखो. बट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है एंड द कास्ट इज़ वेरी नाइस. आई मेट ट्विंकल जैस्मिन. शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल. And the director is already a friend of mine. I've already shot with him in Anamika. So yeah, they're nice people. I always love my work. Yeah, it was so funny. Like, हम लोग कैफेटेरिया में थे और मैं कुछ तो बोलती जा रही हूँ अपने बारे में. फिर उसके बाद दो लड़के आते हैं वो हमें छेड़ते हैं. सो आई एम ट्राई टू क्योंकि मैं हमेशा झगड़ती रहती हूँ कहीं ना कहीं. रियल लाइफ में मैं ऐसी हूँ. तो हाँ तो मैं उसे झगड़ने की कोशिश करती हूँ तो ट्विंकल मुझे रोकती है और फिर हम निकल जाते हैं. आगे देखिए क्या होता है. स्क्रिप्ट के कुछ सीन्स तो मैंने पढ़े कुछ तो मैंने भी नहीं पढ़े. एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस लुक बिकॉज एक तो गहने नहीं हैं ज़्यादा. उसके बाद सिंदूर नहीं है वो हाथ में चूड़े नहीं है. सो दिस इज़ मी. इसमें मैं मेकअप करूँ ना करूँ एंड न्यूड लिपस्टिक तो बाल का. द बेस्ट पार्ट इज़ आई लाइक टू कीप माई हेयर वेरी ओपन. सो दिस इज़ सो अमेजिंग दैट आई हैव टू जस्ट बी द वे आई हैव. यू नो व्हाट आई मीन. आई एम अ वेरी रगेड गर्ल लाइक अ नॉर्मल गर्ल. आई वुडंट जस्ट गेट आउट ब्लो ड्राई माई हेयर और मेकअप और व्हाटएवर. सो आई लव द वे इट इज़. Keep smiling, be positive, have gratitude in life, and I think if you have an aim, you'll surely get through it. Keep smiling.